हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। सो जितने भी मेरे 10th क्लास के बच्चे हैं, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, जल्दी से क्लास में आ जाइए, CBSE क्लास 10। और जैसे कि आप लोग जानते हो, टर्म 2 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। सो वील बी प्रिपेयरिंग फॉर CBSE क्लास 10 टर्म 2 एग्जाम्स टूगेदर, ठीक है? तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। टेल मी हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? तो इसी के साथ अब देखो, हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, हम लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उससे शुरू किया था। उसका चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इज परफेक्टली डन, कंप्लीटली डन, पैक्ड कर चुके हैं, फिनिश्ड, ठीक है? वो वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। अब आज जो है मैं करने वाली हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस वाली बुक को स्टार्ट। सो अपन साइड बाय साइड चलते रहेंगे, ठीक है? एक एक चैप्टर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का, एक चैप्टर करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, साइड बाय साइड चीजें चलती रहेंगी। तो सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक 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 करके कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बुक हो गई है, एक बुक का एक भी चैप्टर नहीं हुआ। सो दोनों चीजें साथ के साथ चलती रहेंगी। सो आज बेटा अपन कवर कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, और उस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, written by Robert W. Peterson. So this is your chapter. इस chapter को आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही interesting chapter है यार, बहुत ही ज़्यादा interesting chapter है, the making of a scientist, ठीक है? लिखा किसके द्वारा गया है? Robert, हाँ जी, लिखा किसके द्वारा गया है? R-O-B-E-R-T. अब ये नाम तो याद होना चाहिए, because एग्जाम्स में आता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है? सो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, PETERSON। अब आप लोगों को यह नाम अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम्स में आता है। सो दिस इज योर राइटर, राइटर का नाम है ये आपके, ठीक है बेटा? इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। अब ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर है रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में, ठीक है? अब जो रिचर्ड हैं उनके बारे में है ये, और वो कौन है? वो एक अमेरिकन, आप कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है? अब वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, तो उनका ना अमेरिकन बायोलॉजिस्ट वो कैसे बने, कैसे उनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में आया, क्या क्या उन्होंने किया, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यार साइंटिस्ट कैसे बने वो? एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से एक ना बहुत ही अच्छे, आप कह सकते हो साइंटिस्ट के लक्षण, गुण, क्वालिटीज दिखानी शुरू कर दी थी। एंड उनकी लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेंट मोमेंट्स आए, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे प्राइजेस जीते, बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया, वेरी यंग एज, फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम उम्र से उन्होंने शुरू कर दिया था। एंड लाजवाब भाई, अलग ही अलग वो अपनी लाइफ में ना लेवल सेट करते चले गए। उन्होंने बचपन से शुरू किया, उनका इंटरेस्ट कैसे आया उसके अंदर, फिर कैसे बढ़ते 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 फाइनली वो एक साइंटिस्ट बने, ठीक है? सो पूरी कहानी हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलने वाली है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट कैसे बना वो हम देखेंगे उनके बचपन से, लाइक व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटे बच्चे थे तब से क्या हुआ उनकी लाइफ में, कैसे उनका ग्राफ बढ़ा उम्र के साथ, कैसे क्या क्या करते गए वो, और एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक, एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट बने। सो ये आज इस पूरे चैप्टर में है। अब इस पूरे चैप्टर को, इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है ये जो चैप्टर है ये एक साइंटिस्ट के बारे में है, और वो साइंटिस्ट कैसे बने उस बारे में है। सो यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो इस चैप्टर की तरफ जो हमारी अप्रोच होने वाली है वो होने वाली है, लाइन बाय लाइन अपन रीड करेंगे एंड समझेंगे, ठीक है? सो ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट वन है, जिसके अंदर हम लोग एक जो पहला पार्ट है, काफी कुछ हिस्सा जो है इस चैप्टर का इसमें कवर कर लेंगे। सो शुरू करें, अगर सारे मेरे बच्चे आ चुके हैं, उनको इंट्रोडक्शन भी दे दिया है मैंने चैप्टर का कि चैप्टर किस बारे में, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है, ठीक है, रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में, क्लियर है? चलो सो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि चैप्टर आपके सामने है, सो आप लोग अगर चाहें तो अपनी बुक्स खोल के बैठ सकते हो एंड वील रीड लाइन बाय लाइन, एंड देन हम उसको क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगी। सो यहाँ पर बात कुछ ऐसे हो रही है कि एट द एज ऑफ 22, केवल 22 साल की उम्र में, इतनी छोटी यंग एज में, केवल 22 ईयर्स ओल्ड थे वो, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। अब वो बोल रहे हैं कि एक 22 साल की उम्र में
एक फॉर्मर का मतलब होता है बेटा अर्लियर, फॉर्मर मींस अर्लियर यानी कि पहले रह चुके, ठीक है। फॉर्मर का मतलब होता है अर्लियर यानी कि पहले रह चुके, एक स्काउट ऑफ द ईयर, ठीक है, एक स्काउट ऑफ द ईयर। ऐसे यहां पर इंडिया में इतना नहीं है लेकिन बाहर के देशों में क्या होता है, बच्चों को ना बचपन से ही क्या करने लग जाते हैं वो लोग, स्काउट एक्टिविटीज में डाल देते हैं, ठीक है। सो उसी की बात हो रही है कि वो क्या थे, 22 की उम्र में, एक बचपन में एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके, पहले एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके इंसान ने पूरी दुनिया को एक्साइट कर दिया था अपनी एक थ्योरी से, साइंटिफिक थ्योरी से कि सेल्स जो है वो कैसे काम करते हैं। सो यानी कि केवल 22 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी थ्योरी डेवलप की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं आप सारे के सारे जानते हैं, है ना, कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी है। और उन्होंने इतनी कम उम्र में, 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और एक्साइटेड कर दिया था कि भाई ये सेल्स काम कैसे करते हैं। रिचर्ड ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी in an article in the proceedings of the National Academy of Science. अब वो बोल रहे हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट और उनके रूममेट, जो कि उनके साथ में रूम शेयर करते थे, जिनके साथ वो उनके रूममेट, उनके फ्रेंड आप कह सकते हो, उन दोनों ने मिल करके थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। ये थ्योरी किस चीज की थ्योरी, कि सेल्स कैसे काम करते हैं, इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और वो पूरा जो एक्सप्लेनेशन था वो एक बहुत ही जाने माने आर्टिकल, एक बहुत ही जाने माने जर्नल में, एक बहुत ही जाने माने न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल में छपा था, ठीक है। वो न्यूज़पेपर का नाम था द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अब एक ऐसा न्यूज़पेपर था कि हर किसी के बस की नहीं था, एक ऐसा न्यूज़पेपर था जिसमें आप कह सकते हो महान महान दिग्गजों की, है ना, एकदम लेजेंड्स, एकदम बहुत अपनी फील्ड में साइंटिफिक, स्पेशली अगर मैं बात करूँ साइंस की फील्ड में, जिन लोगों ने बहुत अलग लेवल पे बहुत सारी चीजें जो हैं अचीव करी हैं, उनके अलग ही अचीवमेंट्स हैं साइंस में, उन लोगों के आर्टिकल्स छपते थे, उन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में इस न्यूज़पेपर में लिखा जाता था। लेकिन आप सोचिए कि एक मामूली सा 22 साल का लड़का, जो कि ज्यादा उम्र नहीं है, 22 साल का लड़का जो कि पहले अपनी जिंदगी में एक स्काउट रह चुका था, उसने क्या किया, उसने पूरी दुनिया को एक्साइटेड कर दिया अपनी इस थ्योरी को लेकर के कि सेल्स कैसे काम करते हैं। और उस लड़के, यानी उस लड़के का नाम क्या था, रिचर्ड ई ब्राइट, अपने रूममेट के साथ मिलकर के उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि सेल्स कैसे काम करते हैं। वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी एक आर्टिकल के मदद से। वो भी आर्टिकल किस में छपा था, एक बहुत ही जाने माने और एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर में छपा था, जिसके अंदर हर किसी के नहीं, केवल ऐसे लोगों के आर्टिकल्स आते थे, केवल बहुत ही चुनिंदा लोगों को वहां पर मौका मिलता था उस न्यूज़पेपर में फीचर होने का, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में साइंस की फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। ऐसे जाने माने न्यूज़पेपर में अगर एक लड़के का आर्टिकल छप रहा है तो आप सोच सकते हो कि उस लड़के के लिए लाइफ की कितनी बड़ी अचीवमेंट रही होगी। और उसने कुछ ऐसा, जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया होगा कि ऐसा न्यूज़पेपर उस लड़के का, रिचर्ड ई ब्राइट जिनका नाम है, उसका आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. अब वो बोल रहे हैं कि ये पहली बार था कि एक इतने important scientific journal ने, यानी कि journal क्या होते हैं, newspapers, ठीक है, newspaper, magazines कुछ जो कि क्या है, जो कि बहुत ही informative होते हैं। So यहाँ पर बात हो रही है कि ये पहली बार था कि एक ऐसे बहुत ही important साइंटिफिक जर्नल ने एक कॉलेज के किसी बच्चे का या कॉलेज स्टूडेंट का कोई आर्टिकल छापा हो। यानी कि मैंने जैसे कि बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेटा, और वो जो जर्नल था वो हर किसी का आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में नहीं छाप देते थे, वो केवल ऐसे लोगों का आर्टिकल छापते थे अपने न्यूज़पेपर में जिसके, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है उस फील्ड में। लेकिन ये पहली बार हुआ था इतिहास में कि इतने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने एक कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा था, और उनके आर्टिकल के अंदर पूरी थ्योरी, जो कि थ्योरी उन्होंने बनाई थी कि कैसे सेल्स काम करते हैं, उस पूरी थ्योरी को उसके अंदर एक्सप्लेन किया था। इन स्पोर्ट्स, अब यहां पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर स्पोर्ट्स होता तो दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। अब यहां पर इतने में वो बोल रहे हैं कि अगर स्पोर्ट्स होता,
ठीक है, अगर स्पोर्ट्स होता तो अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर आप स्पोर्ट्स मान के चलोगे तो स्पोर्ट्स की भाषा में ये मान लो कि ये जो काम हुआ ना कि भाई एक बहुत ही दिग्गज, बहुत ही प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर ने, जिसने सिर्फ साइंटिफिक जर्नल, जिसमें सिर्फ साइंटिफिक जो आर्टिकल्स जाते थे, साइंटिफिक जर्नल था वो एक, उसमें केवल उन्हीं लोगों के आर्टिकल्स छपते थे जिन्होंने कुछ अचीव किया है, ऐसे न्यूज़पेपर में एक स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल छप जाना, जिसने अपनी लाइफ में शायद पहला इतने सिग्निफिकेंट कुछ नहीं किया था, उसका आर्टिकल छप जाना, ये ऐसे ही था। मान लो कि एक 15 साल के बच्चे ने होम रन हिट कर दिया और जिसने पहली बार बैट पकड़ा है। आप अगर मैं और सीधे शब्दों में बताऊं तो ऐसे मान लो कि जैसे एक लड़का जिसने पहली बार बैट पकड़ा और उसने एक मैच के अंदर सेंचुरी लगा दी, ऐसा था। यानी कि पहली बार मौका मिला और भाई उसने पूरा बॉल पे एकदम ऐसे सिक्स मारा, ठीक है। सो फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। पर रिचर्ड ई ब्राइट के लिए, उस बच्चे के लिए, चलो न्यूज़पेपर जो था उसने तो पहली बार एक स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट का क्या करा था, एक कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल पब्लिश किया था, लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट के लिए क्या था ये? रिचर्ड ई ब्राइट के लिए तो ये एक लंबी चलती आ रही जो लाइन थी अचीवमेंट्स की, कि वो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे थे, उस लंबी चलती आ रही लाइन में एक और अचीवमेंट थी, ठीक है। और ये सब कुछ शुरू हुआ था हमारी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज के साथ। यानी कि अब वो आपको बता रहे हैं कि 22 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि बहुत ही ज्यादा क्या था, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही अलग था और बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही खास था। लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट के लिए ये कुछ ऐसा खास नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके थे तब तक, और उनके लिए एक अलग, एक दूसरी, एक नई अचीवमेंट थी कि भाई ठीक है, किसी का नाम नहीं आया, मेरा आया, मैंने इससे पहले भी लाइफ में बहुत अचीव करा है, किसी के बारे में आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल नहीं छापा, लेकिन मेरे बारे में छापा। और ये सारी अचीवमेंट्स जो अब जाकर के इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, है ना, इससे पहले की भी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही, और ये सब का शुरुआत कहाँ से हुई? इन सब की शुरुआत हुई इन प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज के साथ। यानी कि अब हम जा रहे हैं उनके बचपन में। सो एन ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। यानी कि एक अकेले बच्चे थे वो, अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे थे, ठीक है, उनके अलावा कोई और बच्चा नहीं था, ही हैड नो सिबलिंग्स। सो यहाँ पर बात हो रही है कि एन ओनली चाइल्ड, एक इकलौता बच्चा जो कि कहाँ पैदा हुआ था, रीडिंग नाम की एक जगह है पेंसिल्वेनिया में, रीडिंग नाम की एक जगह है पेंसिल्वेनिया में, यहाँ पर वो पैदा हुए थे। सो वो बोलते हैं कि देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। अब रिचर्ड अपने आप से बोल रहे हैं कि वहां ना, जहां मैं पैदा हुआ था रीडिंग पेंसिल्वेनिया में, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं था मेरे लिए करने को, वहां पे ज्यादा कुछ था ही नहीं जो मैं कर सकूं। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, वो कह रहे हैं, और डेफिनेटली मैं फुटबॉल या बेसबॉल एक व्यक्ति के साथ तो नहीं खेल सकता था। यानी कि वो अपने खुद की बात कर रहे हैं कि मैं अकेला बेसबॉल जैसी चीजें, फुटबॉल जैसी चीज तो नहीं खेल सकता था, जो कि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। यानी कि पेंसिल्वेनिया का जो रीडिंग टाउन था, उस शहर के अंदर बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल्स, बास्केटबॉल, इस टाइप के गेम्स जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट वो कह रहे कि यार मैं अकेला नहीं खेल सकता था, क्योंकि मेरे इतने अच्छे कोई खास दोस्त थे नहीं वहां पर। सो एक अकेला इंसान बेसबॉल तो खेल नहीं सकता, और एक अकेला इंसान फुटबॉल भी नहीं खेल सकता, तो वहां पर ना उस जगह पे मेरे लिए ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन वो बोले, लेकिन एक चीज थी जो मैं कर सकता था, एंड दैट वाज कि मैं चीजें कलेक्ट कर सकता था, मैं चीजों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, तो उन्होंने किया, एंड डिड ही एवर, बिगनिंग, सो ही डिड एंड डिड ही एवर, ठीक है। सो उन्होंने ऐसा किया और वो करते ही चले गए इस चीज को। उन्होंने, उनके लिए कुछ था नहीं रीडिंग पेंसिल्वेनिया में करने के लिए, फुटबॉल अकेले खेल नहीं सकते हैं, बेसबॉल अकेले खेल नहीं सकते हैं, एक चीज थी जो वो कर सकते हैं, वो है कलेक्ट करना चीजों को। उन्होंने किया और वो करते चले गए। बिगनिंग इन किंडरगार्टन ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, तो अपने प्ले स्कूल से, किंडरगार्टन से उन्होंने शुरू किया था, किंडरगार्टन से ही शुरू कर दिया, और उन्होंने कलेक्ट करना क्या शुरू किया, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वो प्यारी प्यारी सी तितलियां उन्होंने कलेक्ट करनी स्टार्ट करी, विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। यानी कि, और उस समय पर जब वो छोटे से 4-5 साल के बच्चे थे जो कि किंडरगार्टन में था, उस समय पर वो उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे जितनी डिटर्मिनेशन वो आज दिखाते हैं अपने लाइफ के सभी एंडेवर्स में, ठीक है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में
वो जितनी भी बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर रहे थे, वो इतना छोटा सा बच्चा, वो तब भी अपनी चीजों को करने में, यानी कि चाहे वो एक काम बटरफ्लाई को कलेक्ट करना ही क्यों ना हो, वो ये आपको ये कह रहे हैं कि यहां पर चाहे बटरफ्लाई कलेक्ट करने जैसा काम ही क्यों ना कर रहा हो एक छोटा सा बच्चा, वो बच्चा उस काम में भी इतना ज्यादा फोकस और इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन लगाता था जितना डिटर्मिनेशन अपनी लाइफ में उसने बाकी कामों में अचीवमेंट्स में लगाया है। यानी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं था यार, वो डिटर्मिनेशन जो थी ना, वो जो फोकस था कि करना है तो करना है वाला, है ना, डिटरमाइंड होकर के, वो फोकस उनका बचपन से था। अब अपनी बड़ी लाइफ में आकर के उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स पाए, उन्होंने इतना कुछ पा लिया लाइफ में, तो उसके पीछे भी जाहिर सी बात है जब तक हम फोकस नहीं है हमारा, जब तक हम डिटरमाइंड नहीं है उसको पाने के लिए, हम नहीं पा सकते लाइफ में। सो वो जानते थे, तो उन्होंने बड़े होने के बाद किसी चीज को पाने के लिए जितना ठान लिया था ना, वही ठान वही जिद उनको बचपन में भी थी, और उसी जिद के साथ वो बटरफ्लाइज भी कलेक्ट करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और बटरफ्लाइज के साथ साथ वो रॉक्स, अलग अलग पत्थर, फॉसिल्स और सिक्के, कॉइन्स को भी कलेक्ट किया करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनमर टू, और वो एक बहुत ही उत्सुक ईगर एस्ट्रोनमर, यानी कि जो स्टार्स की स्टडी करते हैं, वो भी बन गए थे। ठीक है, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कई कई बार तो स्टार गेजिंग यानी तारों को देखते देखते रह बीत जाती थी उनकी कई रातें। सो यानी कि उन्होंने लाइफ में ना, उनका बचपन जो था, बचपन से ही एक्टिविटीज, आप देख रहे हो एक्टिविटीज बचपन से ही हमेशा किधर की ओर थे, कहीं ना कहीं उनका रुझान बचपन से ही बहुत ही ज्यादा साइंस की ओर था। उनकी एक्टिविटीज एक नॉर्मल किड से काफी अलग थी, उनका इंटरेस्ट एक नॉर्मल किड से काफी अलग था। एज ही न्यू कि ही कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद जस्ट वन पर्सन, जैसे कि वो जानते थे कि आई कांट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल या फिर बेसबॉल अकेले तो खेल नहीं सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने अपना जो एक्टिविटी, अपनी जो हॉबी बनाई, वो हॉबी भी कुछ इस तरीके की थी कि एक नॉर्मल किड जो है वो नहीं रखता है ऐसा रुझान। He'd be like कि टीवी देख लिया, कुछ और कर लिया, बट इनकी एक्टिविटी क्या थी कि चीजों को कलेक्ट करना है, बटरफ्लाई कलेक्ट करनी स्टार्ट करी, और उसके पीछे की डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग थी जैसे कि आज वो जितनी लाइफ में चीजों को पाने के लिए डिटरमाइंड है, उतना ही उस टाइम पर बचपन में बटरफ्लाइज कलेक्ट करने के लिए डिटरमाइंड थे। उन्होंने रॉक्स कलेक्ट करे, फॉसिल्स कलेक्ट करे, कॉइन्स कलेक्ट करे, और उसके अलावा वो एक बहुत ही ईगर एस्ट्रोनमर भी थे, यानी कि स्टार्स को स्टडी करना उन्हें बहुत पसंद था। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी रात बीत जाया करती थी सितारों को देखते देखते, स्टार गेजिंग में। सर ये सारी उनका बचपन रहा है। अब आगे हम लोग एक बारी आपका छोटा सा ले लेते हैं नॉलेज टेस्ट, और जान लेते हैं कि कितना ध्यान से मेरे सारे किड्स यहाँ पर क्लास में सुन रहे हैं और कितना ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं। सो एकदम फोकस के साथ, अटेंशन एकदम अटेंटिव होके बैठेंगे सभी, और क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। सो इट विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान दिया है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फिल इन द ब्लैंक्स, द चैप्टर इज अबाउट, आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द पर्सन, द चैप्टर इज अबाउट, नाम बता दीजिए उन इंसान का जिनके बारे में ये चैप्टर है, नेम ऑफ द पर्सन जल्दी से, क्योंकि ये मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट की बात हो रही है, कौन इंसान की बात कर रहे हैं हम, किस इंसान को साइंटिस्ट, किस इंसान का साइंटिस्ट बनने का सफर हम पढ़ रहे हैं, कौन था वो व्यक्ति, किस इंसान, किस पर्सन, किस बंदे के बारे में बात हो रही है, जल्दी से। अभी तक हम उनके बारे में पढ़ते आ रहे 5 से 6 बारी कम से कम उनका नाम भी अभी तक मैं ले चुकी हूं। सो हु वॉज दैट गाय जिसका साइंटिस्ट बनने का सफर हम देख रहे हैं, जल्दी सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, एंड लाइव चैट में आंसर ना देकर के कमेंट सेक्शन में आंसर करने की आदत डाल लो, क्योंकि वो कमेंट्स मैं पर्सनली रीड करती हूँ, कोई डाउट रहे अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाउट्स आपने बताइएगा। ठीक है, और आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, रिचर्ड ई ब्राइट जो है उनका नाम आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में। ठीक है, सो अब उनका तो बचपन की हॉबीज क्या थी, चीजों को कलेक्ट करना, बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनकी क्या क्या हॉबीज हैं। सो अपनी हॉबीज मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी हॉबीज बताना कि आपको क्या करना पसंद है अपने खाली समय में, व्हाट आर योर हॉबीज, आपको क्या चीजें पसंद आती हैं, आपको क्या चीजें एक्साइट करती हैं, हैव यू एवर ट्राइड स्टार गेजिंग, क्या आपने कभी रात भर बैठ करके सितारों को देखते हुए टाइम निकाला है। सो इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं। तो जल्दी से सारी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं। तब तक हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे जो चैप्टर है वो हमें बोल रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट
ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड, कि भाई शुरुआत से ही, फ्रॉम द फर्स्ट, शुरुआत से ही उनके अंदर ना एक बहुत ही क्या थी, क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी इज अ फीलिंग जहां पे आप ना चीजों को लेकर के हर एक चीज को क्वेश्चन करते हो, हर एक चीज के ऊपर सवाल होता है, जानने की उत्सुकता कि मुझे हर चीज को लेकर के जानना है, ये ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, हर एक चीज के ऊपर सवाल. सो ये क्यूरियोसिटी है ना. क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्यूरियोसिटी इंसान को सीखने को और ज्यादा आगे ले जाती है. वो जो सीखने का सफर है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसको और बेहतर बनाती है. क्योंकि आप हर एक चीज को लेकर के आसपास सवाल करोगे तो जाहिर सी बात है आप उन चीजों के बारे में सोचोगे, एंड क्यूरियोसिटी उन चीजों के बारे में जानोगे. और क्यूरियोसिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है, है ना. कुछ लोग होते हैं कि अच्छा ठीक है ये सामने है तो है, हमें क्या. पर कुछ लोग होते हैं जो उसको देखते हैं कि ये सामने है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है. सो यहां पर ना वो क्यूरियोसिटी हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिचर्ड ई ब्राइट के अंदर बचपन से, स्टार्टिंग से ही थी. और उनका हमेशा से एक ब्राइट माइंड तो था ही, वो थे भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट, है ना. अब एक्टिविटीज ही उनकी कुछ इस तरीके से थी, बचपन से ही उनकी हॉबीज ऐसी थी कि जाहिर सी बात है कि उनको चीजें जो है बहुत ही अलग तरीके की एक्साइट करती थी, उन्हें बहुत अलग चीजों से, बहुत अलग हॉबीज से खुशी मिलती थी. सो वो एक बहुत ही ब्राइट माइंड भी था उनका. He also had a mother who encouraged his interests in learning. अब उनकी जो मम्मी थी वो भी ऐसी थी कि उनको और ज्यादा क्या करती थी, एनकरेज करती थी, यानी कि उनको और बढ़ावा देती थी चीजों को सीखने के लिए कि तुम्हें अच्छा इस बारे में सीखना है, वाई नॉट आप इस बारे में सीखो, अच्छा आपको कुछ और भी जानना है, आपको कुछ और सीखना है, आप उस बारे में भी सीखो. तो उनकी जो मम्मी थी ना, वो वहां पर एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी, बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो कि उन्होंने रोल प्ले किया रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ के अंदर, कि उन्होंने हमेशा रिचर्ड ई ब्राइट को सपोर्ट किया, हमेशा बढ़ावा दिया कि अगर तुम्हें कुछ जानना है, तुम्हें कुछ सीखना है, सो गो फॉरवर्ड, लर्न करो, नई नई चीजों के बारे में जानो. सो ही हैड अ मदर, उनकी मम्मी जो थी वो हमेशा एनकरेज करती थी कि उनका जो इंटरेस्ट है नई नई चीजों में, नई नई चीजों को लेकर के, उनको सीखने को लेकर के, उसके लिए हमेशा वो क्या करती थी, हमेशा सपोर्ट करती थी. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स. अब उनकी मम्मी क्या करती थी, उनकी मम्मी उन्हें अलग अलग ट्रिप्स पर लेकर जाती थी. और ऐसी ट्रिप नहीं, ऐसी ट्रिप्स जहां पर रिचर्ड ई ब्राइट को हमेशा कुछ अच्छा सीखने को मिले, जहां पे उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहे, कभी रुके ना, ये इस चीज का ध्यान रखती थी उनकी मम्मी. ट्रिप्स पर ले गई, ऐसी ऐसी जगहों पर ले गई जहां पर उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता हो. उनको टेलीस्कोप्स लाकर दिए. अब टेलीस्कोप एक ऐसा बाइनोक्युलर होते हैं ना, वो छोटे से होते हैं जिससे आप देखते हो ऐसे करके, ठीक है. टेलीस्कोप एक बहुत ही ऐसे बहुत एक्स्ट्रा मैग्नीफाइंग एक डिवाइस होता है जिससे ना तुम लोग क्या कर सकते हो, स्टार्स वगैरह को देख सकते हो. और जैसे कि हमने देखा कि रिचर्ड ई ब्राइट का पूरा पूरा इंटरेस्ट था स्टार गेजिंग में, तो उनकी मम्मी ने उनको टेलीस्कोप ला करके दिया, माइक्रोस्कोप्स ला करके दिए, बिकॉज ही यूज टू कलेक्ट क्या, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइंस, बटरफ्लाइज, तो माइक्रोस्कोप ला करके दिया, ठीक है, कैमरा ला करके दिया, माउंटिंग materials एंड अदर equipment, एंड helped हिम इन many अदर वेज. और बहुत अलग अलग तरीकों से उनकी मम्मी ने उनकी मदद करी. सो यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में उनकी मम्मी रही, है ना. रिचर्ड ई ब्राइट की हमेशा से क्यूरियोसिटी तो अंदर थी ही चीज़ों को जानने को लेकर, और मम्मी भी उनकी जो है उस क्यूरियोसिटी को हमेशा बढ़ावा देती थी कि हाँ चीज़ों के बारे में तुम सीखो और जानो और बेहतर बनो, ठीक है. और फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से मदद करी कि ट्रिप्स पर ले गई, चीज़ें ला ला कर दी बहुत अलग अलग, जिनसे उनका ये प्रोसेस जो है लर्निंग का वो कभी रुके ना. अब आगे वो बोलते हैं, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड. अब उनकी मम्मी बताती है कि मैं रिचर्ड की बात कर रही है यहाँ पर बेटा, ही कौन है, ही है यहाँ पर रिचर्ड. तो उनकी मम्मी जो है वो कह रही है कि मैं रिचर्ड की अकेली साथी थी, मैं अकेली कंपेनियन थी जब तक उन्होंने स्कूल शुरू नहीं किया, यानी कि जब वो छोटा सा बच्चा था उनके पास ज्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं. सो उनका अकेला दोस्त, उनका अकेला साथी, उनका अकेला एक गाइड जो था वो उनकी मम्मी थी लाइफ में. जब तक उन्होंने स्कूल शुरू नहीं किया, उनकी मम्मी ही उनका साथी, उनका दोस्त, उनकी गाइड के रूप में वहां पे मौजूद थी, ठीक है. आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. अब उनकी मम्मी बोल रही है कि जब तक उन्होंने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था रिचर्ड ने, तब तक मैं उनकी दोस्त थी, पर जैसे ही उनका स्कूल स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मैं क्या करती थी, मतलब यहां पे वो समझाना चाह रही है कि ऐसा नहीं था कि भाई स्कूल शुरू होने से पहले अगर मैं उनकी दोस्त हूं तो स्कूल शुरू होने के बाद भी फिर मैंने ही सारा घर का सामान संभाल रखा है, सारी घर की जिम्मेदारी, और रिचर्ड को क्या कहते हैं, रिचर्ड के साथ दोस्ती वगैरह भी पूरी मैंने ही मेंटेन करी. वो कह रही है कि जब तक कोई नहीं था उसके पास, जब तक स्कूल शुरू नहीं हुआ था, मैं उसकी दोस्त थी. स्कूल शुरू होने के बाद स्कूल में जाकर के जब रिचर्ड के बहुत सारे अलग अलग नए दोस्त बने, तो मैं उन दोस्तों को घर लेकर के आया करती थी, रिचर्ड के स्कूल फ्रेंड्स को वो घर लेकर के आया करती थी रिचर्ड के लिए. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. बट वो बोल रहे हैं कि लेकिन रात को हम दोनों सिर्फ अकेले ही चीजें किया करते थे, हम दोनों अकेले ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे.
रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. अब वो बोल रही कि रिची रिची यानी कि देखो रिचर्ड की मम्मी प्यार से रिचर्ड ईब्राइट को रिची बुलाती थी. तो वो कह रही है कि रिची मेरी पूरी जिंदगी बन गया था, खास तौर पे रिची के यानी कि मिस्टर रिचर्ड ईब्राइट के पिता के मृत्यु के बाद. अब उनके पिता की डेथ कब हुई थी, वो जब थर्ड ग्रेड यानी कि थर्ड क्लास में थे, तो रिचर्ड ईब्राइट के फादर की डेथ हो गई थी. सो उनके फादर की डेथ के बाद तो फिर उनकी मम्मी का पूरा ध्यान, उनकी मम्मी का सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कौन बन चुके थे, उनका एक इकलौता बच्चा रिचर्ड. सो यहाँ पर वो ये कह रही है कि देखो स्कूल जाने से पहले मैं उसके सारा सपोर्ट सिस्टम, उसका दोस्त, वो सब मैं थी. स्कूल जाने लगा, उसके दोस्त बने, तो मैं उसके दोस्तों को घर लाती थी उसके लिए, ताकि वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, टाइम स्पेंड कर सके. लेकिन रात को हम लोग अकेले होते थे तो हम ज़्यादातर टाइम अकेले बिताते थे. लेकिन रिचर्ड के पिता की मृत्यु के बाद, थर्ड स्टैंडर्ड में रिचर्ड थे, उनके फादर की डेथ के बाद सारा टाइम जो है उनकी मम्मी ने पूरा ध्यान सब कुछ जो है अपना रिचर्ड पे डाल दिया था. तो उनका दुनिया का हम कह सकते हैं सेंटर जो था ना, वो कौन थे, वो रिचर्ड थे. अब आगे बात हो रही है कि she and her son spent almost every evening at the dining room table. वो कह रहे हैं कि हर रोज वह यानी कि हमारी रिचर्ड और रिचर्ड की मम्मी जो है वो दोनों टाइम साथ में स्पेंड किया करते थे, टाइम साथ में बिताते थे एक दूसरे के डाइनिंग टेबल पर. ठीक है, यानी कि वो अधिकतर जो टाइम उनका बीतता था, अधिकतर टाइम जो वो साथ में स्पेंड करते थे, वो साथ में टाइम स्पेंड करते थे, डाइनिंग टेबल पे बैठते थे. ठीक है, इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फ्रॉम हिम फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स. अब उनकी मम्मी कह रही है कि अगर उसके पास जो था, उनके पास क्या था, अगर उसके पास कोई चीज नहीं थी करने के लिए, तो मैं उसके लिए चीजें ढूंढती थी और मैं उसके लिए काम ढूंढती थी. ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल काम कि जाओ जा करके ये काम करके आओ, रनिंग करके आओ, नहीं. यहां से हमें समझ में आ रहा है कि रिचर्ड की जो मम्मी थी वो उनके दिमाग को ज्यादा ट्रेन कर रही थी कि भाई ठीक है, अब रिचर्ड के पास अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी देते रहे, है ना, ताकि जो है रिचर्ड का जो हम कह सकते हैं ब्रेन है वो क्या करता रहे, वो वर्क करता रहे और वो प्रैक्टिस में रहे. सो यानी कि कॉन्स्टेंटली लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कभी रुके ना, वो चलता रहे और वो बच्चा लर्न करता रहे, नई नई चीजें जानता रहे. सो वो ये कह रही है कि ज्यादातर टाइम हम लोग साथ में तो बिताते थे, डाइनिंग टेबल पे बिताते थे. तो वहां पर जाहिर सी बात है डाइनिंग टेबल पे जब हम टाइम बिताते थे तो वहां पर मैं उसको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई, जब उसके पास चीजें करने को नहीं होती थी तो मैं दे दिया करती थी काम. और काम यानी कि ऐसा नहीं कि फिजिकल काम, जाओ दौड़ के आओ, पानी लेकर आओ, नहीं, ऐसा काम जिससे उसके ब्रेन का जो है ना लर्निंग प्रोसेस वो चलता रहे. ठीक है, हाँ, हिज मदर सेड, ऐसा उनकी मम्मी ने कहा, ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न. और वो बोल रही है कि उनको भी पसंद था, यानी कि रिचर्ड को भी ये चीजें पसंद थी कि उनकी मम्मी उन्हें एक नई ना कोई ना कोई नई चीजें सिखाती रहती थी. ठीक है, जिससे उनका लर्निंग जो है उसका प्रोसेस चलता रहता था. और रिचर्ड को भी लर्न करना पसंद था, एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. और वो कह रहे हैं कि और उन्होंने लर्न किया भी, उनके टॉप ग्रेड्स यानी कि वो अपने क्लास में, अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लेकर आते थे, वो टॉप करते थे. ठीक है, ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड. और वो बोल रहे लेकिन बाकी चीजों में लाइक दिमाग को इतना ट्रेन किया कि सच में वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बन चुके थे, शार्प माइंड था उनका, स्कूल में वो टॉप करते थे. लेकिन अगर आप बाकी किसी दिन की बात करो, बाकी चीजों में ही वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल किड, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह थे, जैसे कि बच्चे होते हैं. ठीक है, हालांकि दिमाग से काफी तेज थे, लेकिन बाकी चीजों में ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल किड, एक नॉर्मल बच्चे थे वो. हिज मदर सेड, उनकी मम्मी ने कहा, By the time he was in second grade, जब तक वो second class में आए, Richard E. Bright had collected all 25 species of butterflies found around the hometown. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जब तक हमारे रिचर्ड जो है सेकेंड क्लास में आए, केवल आप सोच रहे हो एक छोटा सा बच्चा सेकेंड क्लास में कितने साल का होता है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल का. एक 6-7 साल के बच्चे ने जितने भी, उनका होम टाउन कहाँ की बात हो रही है, रीडिंग पेंसिल्वेनिया, उनका होम टाउन कहाँ था, कहाँ पैदा हुए थे रिचर्ड ईब्राइट, हमें चैप्टर के अंदर पता चला है बेटा, ये टेक्निकल चीजें आपको याद रखनी है. सो वो बोल रहे हैं कि जहां उनका होम टाउन था रीडिंग पेंसिल्वेनिया में, जितने भी 25 स्पीसीज थी बटरफ्लाइज की, वो सारी की सारी कलेक्ट कर चुके थे, सभी का कलेक्शन उनके पास ऑलरेडी मौजूद था. सो वो सारी बटरफ्लाइज जितनी भी तरीके की मौजूद थी उस होम टाउन में, वो सभी रिचर्ड ने अपने केवल सेकेंड क्लास तक में पूरी की पूरी कलेक्ट कर ली थी. सभी को समझ में आया, क्लियर है, आगे देखो. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड. अब वो बोलते हैं उसके बाद
उसके बाद जब सब कुछ भाई सारी जितनी भी हमारे पास जितनी भी टाइप्स की स्पीसीज की बटरफ्लाइज उनके शहर में मौजूद थी सब कलेक्ट करने के बाद रिचर्ड ने कहा कि शायद अब यहाँ पर मेरा बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो आकर के ख़त्म हो जाता है. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. और वो कहते कि जैसे ही उनको लगा कि उन्होंने अपने आसपास के जितने भी ट्राइब्स की बटरफ्लाई मौजूद हैं वो सब कलेक्ट कर ली हैं, तभी उनकी मम्मी ने, और उन्होंने कहा भी कि भाई अब तो लगता है कि मेरा शायद बटरफ्लाई कलेक्ट करने का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि जितनी मौजूद हैं हमारे शहर में सारी मैंने कलेक्ट कर ली है. सो ये बोलने के साथ ही तभी उनकी मम्मी ने क्या किया, उनके लिए एक बुक ला करके दी जिस बुक का नाम था, अब ये नाम याद रखना बेटा बहुत जरूरी है, जिस बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. अब ये मोनार्क एक्स क्या है बेटा, ये एक स्पेशल टाइप की बटरफ्लाइज को हम बोलते हैं, उनका नाम है, उनकी स्पीसीज का नाम है ये. दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग कलेक्टर. और वो बोल रहे हैं कि वो बुक क्या थी, वो बुक बताती थी कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज यानी कि ये जो स्पेशल प्रकार की स्पीसीज है बटरफ्लाई की, वो कैसे माइग्रेट करती थी सेंट्रल अमेरिका तक. वो पूरी बुक के अंदर मोनार्क एक्स जो बटरफ्लाइज हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि वो कैसे माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका तक. उस बुक ने उनके लिए एक पूरा नया साइंस का वर्ल्ड खोल करके रख दिया था. आप कह सकते हो कि वो बुक जो थी वो एक डोर थी. वो बुक उनको जैसे ही लगा कि यार मैंने सारी बटरफ्लाइज तो अब कलेक्ट कर लिया, मेरे लिए कुछ बचा तो है नहीं, सो अब यहाँ पर आकर के कलेक्शन या ये जो एक्टिविटी थी कि कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एक्टिविटी यहाँ पर आकर के बंद हो जाती है, तभी उनकी मम्मी ने उनको जो बुक ला करके दी जिसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उस बुक के अंदर जो बातें लिखी थी मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में कि भाई कैसे वो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका, है ना, और उस बुक ने पूरा का पूरा एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था. और वो दुनिया थी साइंस की दुनिया. उस दुनिया का दरवाजा उन्होंने खोल दिया था, वो भी एक ऐसे बच्चे को जो कि एक बचपन से ही क्या था, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ईगर था, बहुत ही उत्सुक था, और एक बहुत ही यंग माइंड को अगर इतना अच्छा कि जिसका ऑलरेडी इंटरेस्ट इतनी अच्छी चीज़ों में है, उसको अगर एक इतनी बढ़िया चीज़ के बारे में पता चल जाए और उसके लिए एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही द्वार खुल चुका है, एक अलग ही डोर खुल चुका है, एक अलग दुनिया का जो कि पूरी साइंस में जाती है धीरे धीरे. सो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, एक यंग माइंड, एक ईगर माइंड को जब ऐसी चीज़ मिल जाए. सो वो बुक जो थी आप कह सकते हो उनकी मम्मी ने जो गिफ्ट दिया उनको, वो जो बुक थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी उनकी लाइफ में, जहाँ से उनका इंटरेस्ट और डीप और गहरा होता चला गया. ठीक है, अब बोलते हैं वो एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंत में रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. बुक के अंत में जो रीडर्स थे सभी पढ़ने वालों को इनवाइट किया गया था कि आप आ जाएं और क्या करा जाएगा, टू हेल्प करें कि बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को हम स्टडी कर सके, इसमें मदद करें. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए युक्वार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा. सो यानी कि यहाँ पर वो इनवाइट कर रहे थे कि स्टडी, कि भाई स्टडी बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करती हैं उसकी स्टडी के लिए आप जितने भी रीडर्स हैं वो आए, हम उसकी स्टडी करेंगे और बटरफ्लाइज को टैग करना यानी कि उनको निशान लगा देना कि भाई अपन इसकी ना स्टडी चल रही है. ठीक है, सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बच्चों को बोला था कि आप आकर के बटरफ्लाइज को टैग करो रिसर्च के लिए. किसने बोला था? डॉक्टर फ्रेडरिक ने बोला था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा में एक क्या थे, एक अपने आप में एक आप कह सकते हो एक फैकल्टी थे आप वहाँ पर. ठीक है, सो रिसर्चर थे वहाँ पर, उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप यहाँ आओ, आपने जब ये बुक पढ़ी है तो आप आओ, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम और जानेंगे. ठीक है, क्लियर है. सो ईब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर युक्वार्थ एंड सून ईब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एंड एडहेसिव टैग्स टू विंग्स ऑफ मोनार्क्स. और जैसे ही क्या हुआ उस बुक के अंत में, जैसे ही हमारे रिचर्ड ईब्राइट की मम्मी को पता चला, उन्होंने सीधा सीधा उन डॉक्टर युक्वार्थ डॉक्टर फ्रेडरिक से बात करी और जल्दी ही एडमिशन हो चुका था उस रिसर्च प्रोग्राम में रिचर्ड ईब्राइट का, और वो वहां जाकर के बटरफ्लाइज पर टैग लगा रहे थे यानी कि वो उस रिसर्च का पार्ट बन चुके थे. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Yukwarth. अब वो बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान को जिसको टैग करी हुई बटरफ्लाई मिलती थी वो बटरफ्लाई हमें भेजनी होती थी उन डॉक्टर के पास. सो ये प्रोसेस था, ये काम वो उधर कर रहे थे, ये काम उनका उधर चल रहा था. सो इसी के साथ आते हैं हम हमारी क्लास के एंड पर. सो दिस वॉज योर ठीक है लेक्चर एक्सप्लेनेशन. ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसका एक्सप्लेनेशन.
का पार्ट वन हमने कर लिया है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में, जिसमें मैं इसके आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सो बेटा चैप्टर जो है इसके अंदर बहुत सारी, देखो मैंने पहले ही बोला था साइंस के ऊपर चैप्टर है, साइंटिस्ट कैसे बने उसके ऊपर चैप्टर है, सो बहुत सी नई नई चीजें आपको मिलेंगी देखने को, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने डाउट्स को कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, और वो डाउट्स मैं पहले से प्रिपेयर करके ध्यान रख करके अगली क्लास में लेकर आऊंगी, और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। सो डाउट्स भूले ना डालना कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में ना डाल करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर डालें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके हॉबीज क्या हैं, आपकी कोई अगर स्पेशल हॉबी है ठीक है, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, हमने पार्ट वन खत्म कर दिया है, आपको चैप्टर समझ में आया, फीडबैक कैसा लगा है ठीक है, अगर कोई कमी तो आप वहां पे शेयर कर सकते हो, और उसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो भर के अपने डाउट्स पूछिए, अगली क्लास में डाउट्स क्लियर किए जाएंगे ठीक है। चलिए सो पार्ट वन यहाँ पे हमारा खत्म होता है, आई होप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो इस चैप्टर में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं ठीक है, ये चैप्टर उनके लिए भी इजी बन जाएगा। सो अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।